चंडीगढ़ जिले में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर नगर निगम कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम के मेयर अनूप गुप्ता ने बड़े ही मान सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर सलामी दी। इस दौरान उनके साथ नगर निगम की कमिश्नर अनिंदिता मित्रा और निगम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम के दौरान मेयर अनूप गुप्ता ने कहा कि वह शहर के विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, जिसको लेकर नगर निगम पूरे जोर शोर से कार्य कर रहा है। वहीं इस मौके पर पूरे वर्ष के दौरान नगर निगम में किए गए बेहतरीन कार्यों को देखते हुए चुनिंदा कर्मचारियों के साथ कई समाज से भी संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया है। चंडीगढ़ से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। मेरे को आज जो अवार्ड मिला है, मैंने लास्ट डेढ़ साल से दो साल से सुबह 9-8 बजे से पहले न्यूज क्लिपिंग करके मैडम कमिश्नर मैडम और मेयर सर और सभी काउंसिलर को भेजता हूँ। विदाउट कोई डिले मैं रोज अपना काम कर रहा हूँ और उसके लिए मेरे को ये आज अवार्ड दिया गया है। हमारा एनजीओ पिछले 8 साल से निरंतर समाज में अलग अलग कार्यों में लगा हुआ है, जिसमें काफ़ी हम कार्य अलग अलग समाज के संगठनों के साथ भी करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी जैसे चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, एसडीएम वगैरह के साथ भी हुए हैं। कोविड में हमने काफ़ी सहायता की थी गवर्नमेंट की, लंगर लगाए थे, मास्क डोनेशन आर्मी को। इस करके हमारा जो एनजीओ है पिछले 8 साल से निरंतर हर समाज कार्य में लगा हुआ है, जिससे कि हम चाहते हैं कि समाज में लोगों का भला हो, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका फ़ायदा हो। जहाँ कहीं गलत हो रहा है वहाँ हम आवाज़ उठाते हैं, प्रशासन तक लेके जाते हैं, इसलिए हम ये निरंतर इस सेवा में लगे हुए हैं। हम समाज सेवा करते हैं और हमारा जो एनजीओ है भारत विकास परिषद, ये एक ऐसा अकेला एनजीओ है जो संस्कार को भी की भी सेवा करता है। स्कूलों में और गरीब बच्चों में हम संस्कार भी देते हैं। सेवा तो बहुत सारे एनजीओस करते हैं, हमारा एनजीओ संस्कार भी देता है और हम उनको जनरल नॉलेज की क्विज कराते हैं और भी हमारे राष्ट्रीय त्यौहार बताते हैं और भारतीय संस्कृति पर भी जागृत कर रहे हैं बच्चों को।